सब्सक्राइब कीजिए निगा न्यूज को और बेल आइकन को दबाकर दुनिया भर की ताजा खबरें पाइए। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच T20 सीरीज का आखिरी मुकाबला सुपर स्पोर्ट्स क्रिकेट ग्राउंड पर कल रात को खेला गया। इस मैच में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 168 पर 9 विकेट गंवाकर विशालकाय स्कोर खड़ा कर लिया और इस बार दक्षिण अफ्रीका को चुनौती दी 169 रनों की। इसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 20 ओवर में 141 रनों पर ही ढेर हो गई। अगर पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका टीम की बात करें तो पाकिस्तान का ये दक्षिण अफ्रीका के लिए दौरा था और इस दौरे पर पाकिस्तान को आखिरी मैच में जीत नसीब हुई। इस मैच में पाकिस्तानी पारी के 12 ओवर की दूसरी गेंद पर दक्षिण अफ्रीका के तरबे शमशी गेंदबाजी कर रहे थे। इस गेंद पर शोएब मलिक ने एक रन लेना चाहा, लेकिन गेंद फेलकाय के हाथों में चले गए। फेलकाय ने इस गेंद को दक्षिण अफ्रीका के विकेट कीपर हेनरी क्लासेन के हाथों में दिया और अब हेनरी क्लासेन ने इस गेंद को स्टंप पर मार दिया। लेकिन जहां पर शोएब मलिक और हुसैन तरन रन लेना चाहते थे, वहां दोनों बल्लेबाज एक ही साइड में भाग गए और दोनों बराबर भाग रहे थे। ऐसे में अंपायर को इन दोनों में से एक बल्लेबाज को आउट देने के लिए काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। अंपायर ने इस मैच में स्ट्रेट लाइन खींचकर रन आउट का फैसला किया और इस फैसले को कुल 6 मिनट का समय लगा। ऐसा क्रिकेट इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी रन आउट के लिए 6 मिनट का समय लगा। इस बार अंपायर ने शोएब मलिक को आउट करा दिया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस रन आउट के बारे में? आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। धन्यवाद।